हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, जो हम स्नेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है जितने भी रिमेनिंग असेंडिंग ट्रैक्स रह गए हैं। ओके, हमने एंटीरियर स्पैनोथैलेमिक, लेटरल स्पैनोथैलेमिक और कुछ और असेंडिंग ट्रैक्स पर अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं। टुडेज वीडियो वी विल कवर ऑल द रिमेनिंग असेंडिंग ट्रैक्स, जिनमें से पहला है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरी बेलार ट्रैक्ट। पोस्टीरियर स्पाइनो सेरी बेलार ट्रैक इज ऑल्सो वन ऑफ द असेंडिंग ट्रैक। तो ये क्लियर होना चाहिए आप सबको कि आज की वीडियो में सारे असेंडिंग ट्रैक्स डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब यह है कि जनरल लेआउट वही होगा जो हम पिछली वीडियोस में असेंडिंग ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। यानी कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी जो स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होगी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए, फिर वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, और फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन या तो अपोजिट साइड पर क्रॉस करेंगे या क्रॉस नहीं करेंगे, और दे विल ट्रेवल टू द हायर सेंटर। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्ट है जिसका नाम है पोस्टीरियर स्पाइनो सेरी बेलार ट्रैक्ट, नाम से आपको पता है कि इट इज गोइंग towards the cerebellum, not the cerebrum, okay? इसके axons entering the spinal cord from the posterior root ganglia and they enter the posterior gray column of the spinal cord by synapsing on the second order neuron at the base of the posterior gray column. These neurons are called nucleus dorsalis or the Clark's column. ये हमने पहले भी असेंडिंग ट्रैक्स में बात कर रखी है कि पेरिफ्री से जो भी मैसेज आएगा दैट विल एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर यहाँ वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करेगा, और एग्जॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंटर द पोस्टेरो लेटरल पार्ट ऑफ द लेटरल वाइट कॉलम ऑन द सेम साइड। यानी इस असेंडिंग ट्रैक्ट में, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलार ट्रैक्ट में, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो अपोजिट साइड पे क्रॉस नहीं करता, इट असेंड ऑन द सेम साइड, ओके, एंड इट असेंड एज द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलार ट्रैक्ट एंड इट रीचेज टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स हैं ये सेम साइड पे असेंड होते हैं और कहां तक पहुंचते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। हियर द ट्रैक्ट joins the inferior cerebellar peduncle and terminates in the cerebellar cortex. Note that it does not ascend to the cerebral cortex. यानी ये जो ascending tract है ये cerebrum तक नहीं जा रहा, it is only going up to the cerebellum, okay? Because the nucleus dorsalis extends only from 8th cervical segment caudally to the 3rd or 4th lumbar segment. The axons entering the spinal cord from the posterior roots of the lower lumbar and sacral segments ascend in the posterior white column until they reach the third or the fourth lumbar segment where they enter in the nucleus dorsalis. अच्छा, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये सिंपल ये कह रहा है कि जो posterior spino cerebellar tract है, चूंकि जब ये spinal cord में इसके fibers enter होते हैं so they require this nucleus dorsalis which is present only at a certain level. वो सिर्फ और सिर्फ 8th सर्वाइकल से लेके 3rd और 4th लंबार तक के रीजन में ये न्यूक्लियस होता है। तो चूंकि ये न्यूक्लियस होता है तो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलार ट्रैक्ट इसमें से होते हुए गुजर जाते हैं। अब L3 और L4 के नीचे के जो फाइबर्स होंगे वो भी तो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली उन तमाम सेगमेंट्स में से ऊपर जाएंगे, और जब L3 L4 में ये वाला न्यूक्लियस डोरसालिस मिलेगा तो वहां आकर के दे विल रिले द इन्फॉर्मेशन। सो दैट्स नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलार फाइबर्स रिसीव मसल ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मसल स्पिंडल्स। आपको पता है जितने भी असेंडिंग ट्रैक्स हैं वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लाकर प्रोसेस करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाते हैं हायर सेंटर्स तक। तो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलार ट्रैक्ट कहां से ला रहा है इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम द मसल स्पिंडल्स, tendon organs, joint receptors of the trunk and lower limbs, okay? This information concerning tension of the muscle tendons and movement of the muscles and joints is used by the cerebellum in coordination of limb movements and maintenance of the posture. तो सारी बात यह है कि ये जो posterior spino cerebellar tract है, आपको ये पता होना चाहिए इसका input क्या है, इसका input ये सब चीज़ें हैं, tendon organs, joint receptors and muscle spindles, ये input है, ये आता है spinal cord में, same site पे ascend करता है। और मैंने इस पूरे में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने पता नहीं नोटिस की या नहीं की, मैंने पूरे डिस्कशन में कहीं भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का जिक्र नहीं किया, तो वो इसमें होता ही नहीं है। सो ये फॉर एग्जांपल, नाउ हियर वी आर लुकिंग एट दी पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलार ट्रैक, ये पेरिफेरल कोई मसल स्पिंडल है जिससे इन्फॉर्मेशन आई, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस डोरसालिस में रिले हुआ, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकला और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सेम साइट पर एंटर हो गया, कहाँ, सेरिबेलम में। सो इन्फीरियर पेडंकल्स के थ्रू इन टू द सेरिबेलम, सेम साइड, एंड दिस इज द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, सो देर इज नो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन डिस्कस्ड हेयर,
okay? So it is bringing the information of the same side. Is that very clear? It's very simple. It's very easy. Okay. अगला जो ascending tract हमें आज cover करना है, that is anterior spinocerebellar tract. ये posterior था spinocerebellar, ये anterior है. इसमें देखते हैं क्या story है. Axons entering the spinal cord from the posterior root ganglia. ये pattern सब में यही है कि posterior root ganglia से axon enter होता है information लेके. Okay, into the posterior root ganglion and terminated by synapses in the nucleus dorsalis, same cheese. Most axons of the second order neuron cross the opposite side pe chale jate hain, cross to the opposite side and ascend as the anterior spinocerebellar tract. A minority ascend as the anterior spinocerebellar tract in the lateral white column of the same side. So most of them cross, but some of them travel on the same side. Okay, the fibers having ascended through the medulla oblongata and pons enter the cerebellum through the superior cerebellar peduncle. Ye wala jo tract tha, it was entering into the cerebellum via the inferior cerebellar peduncle. Lekin anterior spinocerebellar tract enters the cerebellum via the superior cerebellar peduncle and terminate in the cerebellar cortex. ये तो वो फाइबर्स हो गए जो जो असेंड कर रहे थे ना. दोज दैट क्रॉस ओवर टू द अपोजिट साइड इन द स्पाइनल कॉर्ड आर बिलीव नाउ टू क्रॉस बैक विद इन द सेरिबेलम. यानी जहां से निकले थे वहीं वापस आ गए. अभी डायग्राम पे दिखाता हूं आपको. द एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट कन्वेज, अब ये इनपुट देखिए कहां कहां से है. इट कन्वेज मसल ज्वाइंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मसल स्पिंडल, टेंडल ऑर्गन्स और ज्वाइंट रिसेप्टर्स ऑफ द ट्रंक एंड द अपर एंड लोअर लिम्स. इज ऑल्सो बिलीव दैट द सेरिबेलम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्किन एंड सुपरफिशियल. सो दिस इज ऑल द सेंसरी इनपुट. और वो इनपुट ट्रैवल कैसे करता है वो जरा देख लो. नाउ लेट मी रब दिस ताकि ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाए पिछले वाले असेंडिंग ट्रैक्ट की. So now what's happening here is information is coming from muscle spindle and tendon organs and all that. Aur ye yahan pe nucleus dorsalis hai jahan pe first order neuron aur second order neuron ka synapse hoga. This will be the synapse between first order neuron and second order neuron. Theek hai, ab some of the fibers jo second order neuron ke hain, neurons ke axons, wo cross karenge to the opposite side aur ye upar chale 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 superior cerebellar peduncle se cerebellum tak pahunche aur yahan pahunch ke wapis cross kar gaye usi side se jahan se aaye the. So first they cross to the opposite side and then they cross back in the cerebellum. So agar suppose this is the left side of the patient and this is the right side of the patient aur information left side se enter ho rahi hai, to first order neuron yahan enter hoga aur second order neuron jo hai wo अपोजिट साइड पे क्रॉस करेगा यानी राइट साइड पे. यहाँ ये फाइबर्स असेंड होंगे, चलेंगे 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 और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए सेरिबेलम में एंटर होंगे और सेरिबेलम में आने के बाद दे क्रॉस बैक टू द ओरिजिनल साइड. दोबारा यहाँ पर आ गए यानी लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन चली थी वापस लेफ्ट साइड पर पहुँच गई, राइट साइड पर नहीं गई. इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू जो हमने बहुत सारे और असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े हैं उनमें ऐसा नहीं होता. उनमें जब फाइबर एक दफ़ा क्रॉस कर लेता है तो फिर वो उसी क्रॉस्ड साइट पर इंफॉर्मेशन को लेके जाता है. लेकिन पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में इट क्रॉसेस बैक टू द ओरिजिनल साइट. तो एक तो ये होता है. अच्छा, कुछ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो अपोजिट साइड पर क्रॉस ही नहीं करते. कहते हैं यार जब ऊपर से घूम के वापस यहीं पर आना है तो क्यों ना इस तरह ट्रैवल करें कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन आई और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस करने के बजाय सीधा ऊपर चला गया उसी साइड पर और सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के जरिए सेरिबेलम तक पहुंच गया. तो ये वाला जो है ये पहले ही स्मार्ट है. इसने कहा यार क्रॉस करूंगा सेरिबेलम में जाके वापस क्रॉस करना पड़ेगा, उससे अच्छा है क्रॉस ही ना करो. तो ये दो तरह के फाइबर्स होते हैं एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में. आपको ये बताना चाहिए इसमें इंफॉर्मेशन कहां कहां से आती है. फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेने के बाद यहां न्यूक्लियस डोर्सालिस में साइनैप्स करता है. सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के कुछ फाइबर्स क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड पे, लेकिन जो क्रॉस करते हैं वो सेरिबेलम में जाके दोबारा क्रॉस कर लेते हैं और कुछ फाइबर्स बगैर क्रॉस किए डायरेक्टली उसी साइड के सेरिबेलम में पहुंच जाते हैं. मैसेज ये है कि अगर राइट साइड से इंफॉर्मेशन आएगी तो वो परसीव राइट साइड पर ही होगी और अगर लेफ्ट साइड पर इंफॉर्मेशन आएगी तो वो परसीव लेफ्ट साइड पर ही होगी. दैट्स ऑल अबाउट द एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट. अब बात करते हैं जनाब एक और ट्रैक्ट है विच इज द क्यूनियोसेरिबेलर ट्रैक्ट. ये एक्चुअली हमने पहले पढ़ भी रखा है. दीज आर डिस्क्राइब्ड ऑन पेज नंबर 142. दे एक्चुअली ओरिजिनेट इन द न्यूक्लियस क्यूनियरस एंड एंटर द सेरिबेलम थ्रू द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ऑफ द सेम साइड. दे आर ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स एंड देयर फंक्शन इज टू कन्वे मसल ज्वाइंट सेंस टू द सेरिबेलम. ये सारी बात हमने उस वक्त की थी जब हम न्यूक्लियस
क्यूनियरस की बात कर रहे थे. तो अगर इस डायग्राम पे फोकस करें एंड वी नो दैट दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन, दिस इज द राइट साइड ऑफ द पर्सन एंड सपोज द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाइब्रेटरी सेंस, दिस मूव्स इन द लेफ्ट साइड और ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाहिर है यहाँ एंटर हुआ, इसके फाइबर्स असेंड किए और पहुंचे न्यूक्लियस क्यूनियरस तक. न्यूक्लियस क्यूनियरस में जब यहाँ पर सिनॉप्सिस होगा तो कुछ फाइबर्स बल्कि मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के हैं वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं टू द ऑपोजिट साइड और अब वो राइट साइड के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुँचते हैं. लेकिन कुछ फाइबर्स क्रॉस नहीं करते बल्कि सेम साइड में सेरिब्रम में नहीं बल्कि सेरिबेलम तक पहुंचते हैं. तो ये जो कुछ फाइबर्स हैं इन्हें का नाम दिया जाता है क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक्ट. तो ये न्यूक्लियस क्यूनियरस से निकलते हैं और सेरिबेलम तक पहुंचते हैं, इसीलिए क्यूनियो क्यूनेटस सेरिबेलर सेरिबेलम. तो दीज आर ipsilateral fibers, so these are not contralateral fibers, these are ipsilateral fibers because ye agar left side ki information thi to ye left side of cerebellum tak pahunch rahi hai. To agar aap sari baat ko jod kar dekho तो सेरिबेलम के जो पाथवेज हैं वो अब तक जो मैं बात कर रहा हूँ वो इप्सीलेटरल मामला चल रहा है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट की तो वो भी इप्सीलेटरल इन्फॉर्मेशन है. अगर हम बात कर रहे हैं स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट की तो वो भी पहले तो क्रॉस करता है लेकिन सेरिबेलम में जाकर वापस क्रॉस कर जाता है, तो लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पर भी महसूस होती है. और बिल्कुल इसी तरह जो ये क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट है इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लेफ्ट साइड से इन्फॉर्मेशन एंटर हुई तो फाइबर्स साइड ऑफ सेरिबेलम में जाते हैं. तो अब तक की सारी बात से वी कैन अज्यूम कि जो पाथवेज सेरिबेलम में एंड हो रहे हैं दे आर कम्युनिकेटिंग व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इप्सिलेटरल नॉट कॉन्ट्रालेटरल. मतलब यह है कि राइट साइड की इंफॉर्मेशन राइट सेरिबेलम तक जा रही है, लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन लेफ्ट सेरिबेलम तक जा रही है. ओके तो हम पढ़ रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट्स और अब कंटिन्यू करते हैं. अगला जो असेंडिंग ट्रैक्ट हमें डिस्कस करना है उसका नाम है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट. नाउ एक्सॉन्स enter the spinal cord from the posterior root ganglion and travel to the gray matter where they synapse on unknown second order neuron. Axons of the second order neuron cross the median plane and ascend as the spinotectal tract in the anterolateral white column lying close to the lateral spinothalamic tract. After passing through the medulla oblongata and pons, they terminate by synapsing with neurons in the superior colliculus of midbrain. This pathway provides afferent information for spinovisual reflexes and brings about movements of eyes and head towards the source of stimulation. So, ये तो बिल्कुल self-explanatory चीज़ है जो आखिर में मैंने लाइनें पढ़ी हैं कि spinovisual reflexes हैं, यानी कब कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपकी आँखें obviously उस stimulating body की तरफ, अब वो light भी हो सकती है कोई और चीज़ भी हो सकती है जो आपको stimulate कर रही है उसकी तरफ आपकी आँखें automatically move करती हैं. So, that is because of the spinotectal tract. अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो spinotectal tract है वो काफ़ी मतलब आसानी से और वेग सा बताया हुआ है लेकिन जनरल प्रिंसिपल वही है. जनरल प्रिंसिपल ये है कि अगर मैं आपको लेट मी टेल यू द स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट इन द डायग्राम, सो दिस रेड पाथवे इज एक्चुअली शोइंग द स्पाइनोटेक्टल पाथवे जिसमें इंफॉर्मेशन यानी स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस एंटर हो रहे हैं, वो एंटर हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस कर रहा है टू द ऑपोजिट साइड और इट इज गोइंग अप टू द मिड ब्रेन का सुपीरियर कॉलिकुलस. ठीक है, सो सुपीरियर कॉलिकुलस तक सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पहुंचता है. सो दिस इज द स्पाइनो विजुअल पाथवे या स्पाइनोटेक्टल असेंडिंग ट्रैक्ट. सिंपल, ये रेड वाली लाइन को फोकस करना है. यहाँ पे जो रेड लाइन है इट इज टेलिंग यू हाउ द स्पाइनोटेक्टल पाथवे असेंड्स. इट एंटर्स इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस टू द मिड लाइन एंड असेंड अप टिल द सुपीरियर कॉलिकुलस व्हिच इज इन द मिड ब्रेन. ओके, द नेक्स्ट ट्रैक्ट इज स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट. नाउ एक्सॉन्स एंटर द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ये तो अब आपको बात रट गई होगी, एंड टर्मिनेट ऑन द अननोन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द ग्रे मैटर. They are not identified yet. जैसे बहुत सारे pathways के cases में आपको पता है कि nucleus dorsalis में enter होते हैं, but यहाँ नहीं पता. So unknown second order neuron. लेकिन इतना पता है कि there is a second order neuron. Axons from the second order neuron ascend the spinal cord में ऊपर चढ़ते हैं as the spinal reticular tract in the lateral white column, mixed with the lateral spinothalamic tract. Most of the fibers are uncrossed, so they don't cross, and terminate by synapsing with neurons of the reticular formation in the medial
medulla oblongata, pons and the midbrain. The spinoreticular tract provides an afferent pathway for reticular formation, which is actually directly associated with the level of consciousness. यानी जगाए रखना, लेक्चर में नींद आती है तो उसमें अपने आप को अगर आप चुंटी भर लो तो आप जागते रहोगे, या कोई भी ऐसा चुटकुला अपने आप को सुना दो जिससे आप जागते रहो, तो एक्चुअली कौन सा पाथवे आपका एक्टिवेटेड है? आपका स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे एक्टिव है. ओके, अब स्पाइनो रेटिकुलर पाथवे को इस डायग्राम में देखते हैं, ये ब्लैक वाले को फॉलो करें. सो इन्फॉर्मेशन एंटरिंग इन टू द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे सिनेप्स होता है विद अननोन सेकेंडरी सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियस, पता नहीं है वो क्या है, बट बहरहाल जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो असेंड होता है ऑन द सेम साइड नॉट क्रॉस, ऑन द सेम साइड, एंड इट गिव्स देन फाइबर्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल टू पॉन्स, टू मिड ब्रेन, और इनका कनेक्शन है फिर रेटिकुलर फॉर्मेशन के साथ जो आपको अवेक या कॉन्शियस रखता है. ओके, सो स्पाइनो रेटिकुलर सेम साइड, स्पाइनो टैक्टल ऑपोजिट साइड. ओके, and now let us talk about the other pathway, which is the spinoolivary tract. Axons enter the spinal cord from the posterior root ganglion, general baat hai, bar bar padh li, and terminate on the unknown second order neuron in the posterior gray column. Axons of the second order neuron cross the midline and ascend as the spinoolivary tract in the white matter at the junction of the anterior and lateral columns. स्पाइनोथैलेमिक की बात हो रही है. द एक्सॉन्स एंड बाय सिनेप्सिंग ऑन द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला ओब्लोंगेटा. एक्सॉन्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉसेस द मिडलाइन एंड एंटर द सेरिबेलम थ्रू द इन्फीरियर सेरिबेलार पेडंकल. द स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक कन्वेज इन्फॉर्मेशन टू द सेरिबेलम फ्रॉम क्यूटेनियस एंड प्रोप्रियोसेप्टिव ऑर्गन्स. अच्छा, इसमें भी ना डबल क्रिस क्रॉस है. डबल क्रिस क्रॉस का क्या मतलब है, यहाँ डायग्राम में आपको दिखाता हूँ. नाउ स्पाइनो ओलिवरी जो ट्रैक्ट है, दैट इज दिस ब्लू लाइन, इसको फॉलो करते हैं. इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर हुई स्पाइनल कॉर्ड में, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ने क्रॉस किया, क्रॉस करके ये ऊपर चला गया इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में. इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर्स ने फिर क्रॉस किया और सेरिबेलम में एंटर हो गए. यानी अगर लेफ्ट साइड की इन्फॉर्मेशन थी तो वो लेफ्ट साइड के सेरिबेलम में ही एंटर हुई. मैंने आपको बताया कि सेरिबेलम में जो फाइबर्स आते हैं वो एक्चुअली सेम साइट के ही पहुँचते हैं. Okay, then we have visceral sensory tracts, sensations that arise in the viscera. बहुत सारा विसरा है ना, आपके एब्डोमेन में भी है, आपके थॉरेक्स में भी है, लंग्स हैं, स्टमक है, ये सारी चीज़ें. वहाँ से सेंसेशन एंटर इन द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द पोस्टीरियर रूट्स. द सेल बॉडीज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आर सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया. द पेरिफेरल प्रोसेस ऑफ दीज रिसीव नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम पेन या स्ट्रेच इन तमाम विसरा से स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया वाया द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन. एंड ये पेन किसी भी वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, केमिकल डैमेज एंड व्हाट नॉट. नाउ द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो एग्जॉन्स, they are believed to join the spinothalamic tract and ascend and terminate on the third order neurons in the ventral posterior lateral nucleus of thalamus. So jaise spinothalamic tracts chal rahe the unke sath sath ye chadte hain, ye fibers upar ki taraf jate hain. Okay, upar ki taraf matlab kahan, cerebrum tak jate hain ultimately via the thalamus. Now the final distillation of these axons is probably the both central gyrus of the cerebrum. तो अगर आप इसको recall करो तो इन pathways का जो पूरा course है वो exactly वैसा ही है जैसे हमने anterior spinothalamic tract और lateral spinothalamic tract में पढ़ा था. यानी enter हुए spinal cord के अंदर, fibers cross करके to the opposite side, ऊपर तक चले गए thalamus तक, thalamus से फिर cortex तक चले गए. Okay? Alright, so that's basically all about the ascending tracts. देखो थोड़ा सा boring topic है, लेकिन मैंने हर ascending tract को रुक रुक कर, slow slow होकर, आराम आराम से समझाया है. तो important ये है कि आपको पता हो कि first order neuron क्या information लेके आ रहा है, उसके बाद second order neuron किधर जा रहा है, और third order neuron अगर है तो वो किधर जा रहा है. तो information आ कहाँ से रही है, किस तरह process हो रही है neurons के जरिए, cross कर रही है opposite side पे या नहीं cross कर रही, और ultimately किस जगह तक पहुँच रही है, cerebrum तक पहुँच रही है या cerebellum तक पहुँच रही है. तमाम ascending tracts का काम है कोई ना कोई sensory information को लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आना. तो लाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ऊपर जाने के लिए सेकंड और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन उसको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है. वो मंजिल या सेरिब्रम होगा या सेरिबेलम होगा. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द असेंडिंग ट्रैक्स. फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, बात करेंगे शुरू हम डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.